नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लाइट दुरुस्तीकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है और इसी तारतम्य में कल शहर के विभिन्न वार्डों में लाइट बंद रहने वाली है तकनीकी कारणों से। तो क्या है पूरा मामला, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एमपीपी के इंजीनियर श्री महेश कुमार सोलंकी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। सर नमस्कार। नमस्ते जी सर, क्या है मामला सर? कल 132 केवी खंडवा जी, जो अभी तक एक सिंगल सर्किट से चल रहा था जी, वहाँ एक डबल सर्किट लाइन जी चालू होने की तैयारी है जी। उसी संदर्भ में वो 132 केवी खंडवा ग्रिड जो है जी 10 से 10:30 के बीच में बंद रहेगा संपूर्ण ग्रिड जी। उस ग्रिड से आधा खंडवा चलता है जी जी, और उस ग्रिज को सिंक्रोनाइज करने के लिए आधे घंटे के लिए बंद किया जाए जी जी। साथ ही कुछ आनंद नगर क्षेत्र में अन्य कार्य भी है महत्वपूर्ण जी डबल सर्किट लाइन के जी, उस कारण से संपूर्ण आनंद नगर क्षेत्र जी 2 घंटे के करीब जी बंद रहने की संभावना है जी, और सिविल लाइन क्षेत्र आधे घंटे के लिए बंद रहेगा जी। बाकी खंडवा पूरा बचा हुआ शेष खंडवा जी चालू रहेगा जी, वो छेगांव माकन से चलता है जी। सर इसके अलावा और कोई क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं? नहीं, इसके अलावा कुछ जी। सर हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद जी। थैंक यू। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।